Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I hope that you all are doing great by the grace of Allah Almighty. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे. अच्छा, आज मैं एक छोटे से टॉपिक के साथ आई हूँ और ये टॉपिक कराने का मकसद ये होगा कि आप टेंसेस पढ़ने से पहले इन वर्ड्स को याद कर लें, यानी इन वर्ड्स की उर्दू एंड इंग्लिश को याद कर लें, ताकि आगे जाके आपको मुश्किल पेश ना आए. चलिए इन वर्ड्स को सीख लेते हैं. जी, आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे. मैं इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन साइड बाय साइड लिखती जाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए इन वर्ड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है बोलने में भी और लिखने में भी. ठीक है, तो टेंसेस में भी इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा. तो अगर आपको इन सब की ट्रांसलेशन आती होगी, आपको पता होगा इनका इंग्लिश मीनिंग, तो आप इजीली उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास वर्ड है तुम. तुम के लिए इंग्लिश इस्तेमाल होती है यू. फिर हमारे पास हम. हम के लिए इंग्लिश इस्तेमाल होती है वी. मैं के लिए आई. वो अगर लड़की है तो शी. वो अगर लड़का है तो ही. वो अगर प्लूरल है, यानी लड़का है, लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो दे. वो अगर बेजान चीज है तो इट. तुम्हें, हमें के लिए अस. मुझे के लिए मी. उसे, लड़की के लिए हर. उसे, लड़के के लिए हिम. उन्हें, बहुत सारों के लिए दे. उसकी या उसके, अगर बेजान चीज है तो उसके लिए इट्स. नंबर 15 पे हमारे पास है तुम्हारी. अगर हम तुम्हारी के लिए वर्ड यूज करेंगे तो हम करेंगे योर. हमारी के लिए आर या आवर, दोनों ही प्रोनंसिएशन होती हैं इसकी. मेरी, माय. उसका या उसकी अगर लड़की है तो हर ही इस्तेमाल होगा. सेम ऐसे उसे के लिए, जैसे उसे के लिए हर इस्तेमाल होता है, ऐसे यहाँ उसका या उसकी अगर लड़की के लिए बात करेंगे तो हर ही इस्तेमाल होगा. लेकिन अगर उसका और उसकी लड़के के लिए बात करेंगे तो हम हिज का वर्ड यूज करेंगे. आगे देखें, नंबर 20 पे हमारे पास है उनका या उनकी. प्लूरल की बात हो रही है तो हम देयर का वर्ड यूज करेंगे. अच्छा, ये जितने भी 20 वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन्स हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इन सब को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है. मोस्ट ऑफ देम जो है वो इस्तेमाल होंगे हमारे आने वाले टेंसेस में, और हम अपनी लैंग्वेज में भी, यानी स्पोकन में भी इसको बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब मैं नेक्स्ट में जो लिखने लगी हूँ वो सारे वर्ब्स हैं आमतौर पर जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है जी, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम वर्ब्स हैं. ठीक है, और इन वर्ड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है. किसी भी किस्म का टेंस हो या सेंटेंस हो, बोलना हमने कुछ, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है. अब इनके इंग्लिश वर्ड्स को देख लें. खरीदना, बाय. अच्छा, मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखूंगी. देना, गिव. लेना, टेक. जाना, गो. आना, कम. सोना, स्लीप. रहना, लिव. काम करना, वर्क. पूरा करना या मुकम्मल करना, कंप्लीट. ख़त्म करना, फिनिश. देखना, देखने में सी, वॉच और लुक. ये तीन वर्ड्स देखने में आते ही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है कि किस तरह क्या देखने की बात हो रही है. पढ़ना, रीड. और यहाँ पे स्टडी भी ऐड कर लें. स्टडी भी पढ़ने में ही आता है, बट ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के पढ़ने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस टाइम. लिखना, राइट. सुनना, लिसन. बोलना, टॉक या स्पीक. ये दोनों ही वर्ड्स बोलने में आते हैं. पहनना, वियर. पूछना, आस्क. खाना, ईट. ये खाना नाउन नहीं है. अगर नाउन होता तो फूड, डिनर या लंच की बात होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाना खाने वाली की बात हो रही है. सो ईट ये वर्ब है. पकाना, कुक. डालना, पुट. बताना, टेल. बनाना, मेक. रोना, क्राई. हंसना, लाफ. खेलना, प्ले.
एंड दैट्स इट। ये हमारे 25 वर्ब्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह आज ही याद कर लेना है। और जो पहले हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं 20 यानी कि 45 वर्ड्स हैं, इनको आपने अभी से याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी नेक्स्ट देखिएगा ट्रांसलेशंस आएंगी या टेंसेस वगैरह या स्पोकन जो भी चीज़ आएगी, आपको इन वर्ड्स का पता चल जाएगा कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे एक और काम पढ़ लें कि जहाँ मैंने क्राई लिखा हुआ है, रोने को वीप भी कहते हैं, ठीक है, वीप, ठीक है, वीप या क्राई दोनों का मतलब होता है रोना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकअल्लाह।